नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ओम प्रकाश प्रजापति फिर हाजिर हूँ। इस बार मैं आपको खाने वाले फल केले के बारे में बताना चाहूँगा। केले के बारे में अच्छी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। कच्चे केले का सेवन अलग अलग तरीके से किया जाता है। कोई इसकी सब्जी खाना पसंद करता है तो कोई इसके चिप्स या पकौड़ियाँ खाता है। कच्चा केला आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाता है। खासतौर ये पाचन में जुड़ी समस्याओं से बचाने में कच्चे केले का जवाब नहीं है। आज हम कच्चे केले के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में आपको बताएंगे। डायबिटीज के मरीजों के लिए कच्चा केला काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके सेवन करने से शुगर लेवल काफ़ी कम होता है और इसका ग्लाइसेसिंग इंडेक्स भी 30 होता है। जिन चीज़ों का GI 50 से नीचे होता है वह आसानी से पच जाता है, आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं। इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित रहती है। कच्चा केला फाइबर से भरपूर होता है। अगर आपको कब्ज या दस्त जैसी समस्या है तो फाइबर का सेवन करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए कच्चा केले का सेवन करना पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए आवश्यक है। पके हुए केले की तरह ही कच्चे केले को भी आप पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा प्रदान करती है। पोटेशियम किडनी फंक्शन के लिए भी लाभदायक होता है। इसके साथ ही पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर लेवल को भी नियंत्रित करने में मदद करता है, जिस कारण आपके हृदय की सेहत बढ़िया बनी रहती है। कच्चे केले में बहुत अधिक मात्रा में डाइट्री फाइबर होते हैं। यह पच पाने में ज़्यादा समय लेते हैं, जिस कारण आपके अधिक लंबे समय तक भूख भी नहीं लग पाती। इस कारण आपकी कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग को भी शांत करता है, जिससे आप ओवरडाइट से बच जाते हैं और इस कारण आपका वजन नियंत्रित रहता है। कच्चे केले को विटामिन का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह आपको पोटेशियम से अलग भी बहुत सारे विटामिन मिनरल प्रदान करता है, जिसमें कुछ पौष्टिक तत्व विटामिन सी और B6 हैं। यह आपको आयरन और फोलेट जैसे विटामिन भी उपलब्ध करवाता है और इन सब विटामिन के ऑब्जर्व होने पर भी लाभदायक होता है। आप इसे उबालकर एक चुटकी नमक के साथ खा सकते हैं। इससे आपके पेट की सेहत काफ़ी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों, आप भी केले खाएं, कच्चे हो या पक्के, और जब आपको इसका लाभ हो तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।